नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 15 पर डिस्कशन शुरू ही किया था, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। उसके पहले हम लोगों ने सेल्फ की एक्टिविटीज को स्टडी किया, पहले ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज को स्टडी किया, जिसमें हमने चिंतन, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद हम लोगों ने इन क्रियाओं के आधार पर विचार में क्या प्रमाण मिलता है, आशा में क्या प्रमाण मिलता है, उसको स्टडी किया। तो इसके साथ तुलन की दृष्टियां क्या होती हैं, आस्वादन में किस प्रकार परिमार्जन होता है, उसको स्टडी किया। सारे प्रश्नों में हम लोगों ने अपने जीने को उस कंटेंट से जोड़कर देखा, जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ हम प्रस्ताव को ले रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको फैला कर देख रहे हैं ताकि एक शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट हो। दूसरा, हम उसे जांच कर देख रहे हैं कि क्या हमें यही सहज रूप से स्वीकार है या कुछ अन्यथा। तीसरा, हम उसको जीने से जोड़कर देख रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, है ना, कि अगर ये बात सहज रूप से स्वीकार होती है, ये बात ठीक है, इसके साथ मेरे जीने का स्वरूप क्या बनता है। और चौथा, फिर हम उसको जी कर देख रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। तो ये चार काम हम साथ साथ कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने अभी सेल्फ को मॉड्यूल 3 में विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अब ये आखिरी जो लेक्चर है, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे कि पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस क्या है, सुख के क्या क्या भिन्न भिन्न स्रोत हो सकते हैं। इस पे बात पहले भी हुई है, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी करते हैं, VHV2 में भी करते हैं, यहाँ भी करेंगे, बट अब इसको थोड़ा और आगे जोड़ेंगे ब्लॉक B1 के साथ। तो जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी कोर्स किया और उसके बाद VHV2 कोर्स किया, उसमें ये दिखता है कि जो हमारा जो मूल चाहना है वो निरंतर सुख है और इसको हम पूरा करना चाहते हैं। उसके साथ हमने उसके प्रोग्राम को भी देखा था कि 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब उसको हम यहाँ जब और विस्तार से देख रहे हैं, तो दिखता है कि जो निरंतर सुख की आशा है वो पूरी होती है ज्ञान से, समाधान से, और समाधान का मतलब है सही भाव, सही विचार। और इसको हम लोगों ने फिर विस्तार से समाधान के 9 बिंदुओं में फैलाकर देखा था। तो ये हमारे ध्यान में है कि ये 10 क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं ब्लॉक B1 में है, 5 क्रियाएं ब्लॉक B2 में है। और जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तो किस तरह से परिमार्जन होता है हमारी कल्पनाशीलता में, उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो जो हमारे अंदर भाव होता है चित्रण में, वो जो सहज स्वीकृत भाव है उनके चिंतन के साथ होता है। जो हम विचार करते हैं उसमें जो तुलन की क्रिया हो रही है वो न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित होती है। पहले प्रिय हित लाभ से अनियंत्रित थी, अब न्याय धर्म सत्य से प्रिय हित लाभ की जो दृष्टियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। वैसे ही ज्ञान के साथ, समाधान के साथ जो आस्वादन की क्रिया है वो नियंत्रित हो जाती है। जहाँ पहले वो रुचि मूलक आस्वादन को समर्पित थी, अब लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक आस्वादन के साथ होती है। तो ये परिमार्जन हमको स्वयं में देखने को मिलता है जब हमारे हायर लेवल एक्टिविटीज लोअर लेवल एक्टिविटीज को गाइड कर रहे होते हैं। तो इस चीज को अगर हम फैला के देखते हैं तो अपने 2 छोर दिखा देते हैं जीने के, और इन दोनों छोरों को जितना हम ध्यान से अपने आप में देख पाएंगे, है ना, ये 2 हमारे ध्यान देने के बिंदु हैं। एक स्वयं में ज्ञान, उसकी पूर्णता, दूसरा आचरण में हमारा प्रमाण और उसकी पूर्णता। तो स्वयं में ज्ञान की पूर्णता का मतलब हुआ कि अनुभव तक पहुंचना, और आचरण में प्रमाण की पूर्णता मतलब हुआ कि मानवीय परंपरा तक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाना। तो अभी हम कहीं बीच में हैं, है ना, और हम सब की यही स्थिति है, हम बीच में कहीं खड़े हैं और हम अभी दोनों तरफ गति करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जो हम गति करते हैं वो दूसरी तरफ गति को बढ़ाता है, दूसरी तरफ जो गति करते हैं वो पहली तरफ जो गति है उसको बढ़ाता है। जितना हम जी कर देखते हैं उतना स्वयं में जांचने की प्रवृत्ति बनती है, और जितना जांच पाते हैं उतना और अधिक फैल कर हम व्यवस्था पूर्वक, संबंध पूर्वक जी पाते हैं, सहस्तित्व पूर्वक जी पाते हैं। तो इन 2 छोरों के बीच में हमारी गति है, है ना, ये हमको ध्यान में बना रहे। अगर हम इसको दोनों को साथ साथ नहीं देख पाते हैं तो कई बार भागीदारी तो बहुत करने जाते हैं परंतु ज्ञान का भाग छूट जाता है, तो हम खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। अगर हम भागीदारी को नहीं देख पाते हैं तो ज्ञान के स्थान पर खाली विचार ही करते रहते हैं। ढेर सारे हम, है ना, पुस्तकें पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु उसका विचार ही करते रहते हैं, शब्द के अर्थ को जी नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो विचार विचार में रह जाता है, उसका सुख नहीं मिलता। तो ये दोनों छोरों पे अपने को काम करने की जरूरत है। तो उसके प्रमाण के रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये अपने को दिखाई देता है, उसपे हम उन्हें
डिस्कशन किया था, इसको और थोड़ा विस्तार से लेके चले। तो अगर हम अपने बारे में ऑब्जर्व करें, लेट अस मेक सम ऑब्जर्वेशन अबाउट व्हाट वी आर एबल टू डिड्यूस। तो अवेकनिंग टू द हायर एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ, वी आर एबल टू सी रिलेशनशिप इन दिस नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस, आवर डिजायर दैट इज फीलिंग एंड थॉट आर इन लाइन विद रिलेशनशिप एवरी मोमेंट। This ensures that self is in harmony within and therefore in a state of happiness every moment. तो जितना जितना हम अपने अंदर संबंध के भाव को देख पाते हैं, व्यवस्था के भाव को देख पाते हैं, संस्तित्व को देख पाते हैं, उतना उतना हमारे नीचे क्रियाओं में इन्हीं भावों के आधार पर क्रियाशीलता होती है। जो चित्रण होता है वो संबंध का होता है, व्यवस्था का। जो भाव होते हैं हमारे अंदर संबंध के ही होते हैं। अभी हमें अपने भावों को नियंत्रित करने के लिए श्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, है ना? और उसको हम श्रम पूर्वक निश्चित कर पाते हैं। कभी कभी हम रिएक्टिव भी हो जाते हैं, विरोध का भाव बन जाता है, फैल जाता है, संवेदना से सुख पाने का भाव फैल जाता है, फिर उसको नियंत्रित करते हैं, तो अभी ऐसा चलता है। परंतु एक बार हमको जो है वास्तविकता है, अस्तित्व है, वो ऐसा दिख जाता है, तो फिर हमको हमारे अंदर से द्वंद्व चला जाता है। जो द्वंद्वों के बीच में चुनाव करना है, ये थकाता है हमें। एक घंटा हम बैठते हैं, इतने सारे विचारों में द्वंद आ जाते हैं कि हम थक जाते हैं। हमें एक सुविधा का प्रयोग करना होता है, इतने सारे हमारे अंदर आस्वादन के प्रकार बन जाते हैं, है ना, कि हम उसको चुनाव करते करते थक जाते हैं। तो उससे हम निकल पाते हैं जब हमारे अंदर हायर लेवल एक्टिविटीज जागृत होती है। तो उसका प्रमाण जो हमें मिलता है वो सुख शांति संतोष आनंद के रूप में मिलता है। तो सहस्तित्व का अनुभव होता है, उससे जो बोध की पूर्णता होती है, उससे अनुभव और बोध के बीच में लय स्थापित होता है, उसको नाम दिया आनंद। तो सहस्तित्व का अनुभव के साथ जो बोध की पूर्णता हो जाती है, हमको पूरी व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है, उसको कहा आनंद। वैसे ही बोध के साथ जो इच्छा निश्चित हो जाती है, तो उससे जो लय स्थापित होता है बोध और इच्छा में, उसको कहा संतोष। इच्छा के निश्चित होने से जो विचार में निश्चितता होती है, तो ये जो द्वंद था वो मिट गया, जो अंतर विरोध था, शंका था, भय था, इसको लेकर जो विचार थी, उलझन थी, ये सब चली गई। इससे हमको शांति मिलती है। तो इच्छा और विचार के बीच जो लय स्थापित हुआ, उसको कहा शांति। इससे हर क्षण मैं अपने अंदर लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन कर रहा हूँ, उसके साथ संवेदना का सदुपयोग कर रहा हूँ, इससे जो मुझे सुख मिलता है या इसकी जो स्थिति बनती है, सो कहा सुख। ये स्वयं में दिखाई देता है। और यदि निरंतर सुख की बात करें, तो सुख शांति संतोष आनंद, ये चारों शामिल है। तो हम स्वयं में जब सहस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं, व्यवस्था का बोध कर पाते हैं, संबंध का चिंतन कर पाते हैं, तो उससे जो स्वयं स्थिति बनती है, वही निरंतर सुख। सुख एक नाम दिया। अल्टीमेटली अपने आप में हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें हम बने रहना चाहते हैं, जहाँ कोई शंका नहीं है, भय नहीं है, द्वंद नहीं है, उलझन नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमको सब कुछ स्पष्ट है। मैं अपने बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हूँ, मुझे स्वयं के बारे में ज्ञान है, मुझे अस्तित्व के बारे में ज्ञान है, मैं देख पाता हूँ, जान पाता हूँ, या मैं देखता हूँ, ज्यादा ठीक से कहें, मैं देखता हूँ, मैं स्वयं को देखता हूँ, मैं अस्तित्व को देखता हूँ, और जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपको एक बार भी ये आशा बन जाए कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसे कम में रुकने वाले नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं, ये तो कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष कारणों से विशेष परिस्थितियों में, है ना, विशेष प्रभाव से होता है, तब तो आपको लगता है कि ठीक है भाई, कोई और कर ले। बट यदि आपको लगता है कि नहीं, ये मुझमें भी हो सकता है, मुझमें सारी क्षमताएं हैं, ये सारी क्रियाएं मुझमें भी जागृत हो सकती हैं, है ना, मुझे स्वयं के बारे में ज्ञान पूर्ण हो सकता है, अस्तित्व के बारे में ज्ञान पूर्ण हो सकता है, मेरा जो आचरण है वो पूर्ण हो सकता है, उससे कम में कहाँ रुकने वाले हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ एक ध्यान देने का है। अस्तित्व पहले से बना हुआ है, आप बने हुए, संबंध बने हुए, व्यवस्था बनी हुई है, सिर्फ हमको ध्यान देना है। जितना इतना ध्यान देते हैं, उससे जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, उससे आशा आगे बढ़ती है, और आशा बनती है कि इसको और आगे देखा जा सकता है और समझा जा सकता है ना। वो आशा हमको प्रेरित करती है उसको और गहराई में जाने के लिए। और जैसे ही कोई भाव हमको चिंतन में स्पष्ट होता है, व्यवस्था का बोध होता है ना, वो आशा पूरी होती है। उसके पूरा होने से
हमारे अंदर एक आश्वस्ति आती है कि हाँ ये दिखता है, अभी तक मैं सिर्फ अनुमान कर रहा था, ये दिखता है। और आप पाएंगे कि जब दिखता है आपको, उस समय जो आपकी स्थिति होती है और जब आप अनुमान कर रहे हैं उसमें जो स्थिति होती है, दोनों के बीच में क्वालिटेटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा। अनुमान अनुमान है, विचार में है, कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा हो सकता है, बट जब दिख गया तो आप देख पाते कि ऐसा ही है ना, ऐसा भी है नहीं, ऐसा ही है। ये स्थिति में पहुंचना ये ज्ञान है जी। बढ़िया, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, चिंतन में भाव स्पष्ट होने का मतलब क्या है? अभी आपने कहा कि चिंतन में भाव स्पष्ट होगा, तो हमें अनुमान की जगह वो दिखने लगता है सीधे, इस तरह से जो बात हुई, इसको थोड़ा स्पष्ट करें भैया। मुझे दिखा, मुझे दिखता है कि मैं ये होना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी ऐसा ही है, ये दिखना। मैं और शरीर का अस्तित्व हूँ, दूसरा भी ऐसा ही है। मैं चैतन्य काय हूँ, दूसरा भी ऐसा ही है। तो उसके साथ जो भाव तैयार होता है हमारे अंदर, वो चिंतन में आया, जो उसके साथ स्वयं में इकाई का होना स्पष्ट हुआ, वो बोध में आया। तो इकाई का स्वयं में होना और साथ साथ भागीदार होना, तो जो भागीदारी है वो चिंतन में स्पष्ट होती है। जो होना है, मैं हूँ क्या, पेड़ पौधे हैं क्या, पशु पक्षी हैं क्या, ये हवा पानी मिट्टी है क्या, ये स्पष्ट होना बोध की वस्तु है। और इनकी परस्परता क्या है, यह स्पष्ट होना चिंतन की वस्तु है। तो भैया, जैसे चिंतन है और चिंतन में भाव स्पष्ट होने का, जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ और दूसरा भी सुखी होना चाहता है, अब ये बात सूचना के रूप में आई हमारे पास और हमने उसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया तो अपने को थोड़ा दिख भी रहा है फायदा, लेकिन भाव स्पष्ट होने का मतलब कुछ और है या इतना ही है? भाव स्पष्ट होना मतलब आश्वस्ति हो गई। अभी आपको विचार करना पड़ता है, पहले कोई गलत भाव आया और फिर आपने विचार किया और फिर उसको हटाया और फिर उसको रिप्लेस किया। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है भैया, समझ में आया। मेहनत, तो मेहनत भाव करेगा तो अनवरत बहेगा जी। अभी जैसे देखिए ना, मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना, उसको अभी रख के आपको वॉशरूम जाना हो तो उसको ठोस वस्तु पर रख देते हैं कि नहीं, बिना किसी द्वंद के, बिना कोई मेहनत किए, श्रम किए कि टेबल पे रखे, मतलब ठोस वस्तु पे रखे कि हवा में छोड़ दें, ऐसा तो कोई मेहनत करते ही नहीं हम, सोचने में सीधे रख देते हैं, हमको दिखता है कि ऐसा ही है, वही आश्वस्ति है। कोई कितना भी गलत व्यवहार कर रहा हो हमारे साथ, हमको दिखता है कि ये परेशान है, परेशान करना चाहता नहीं है। बढ़िया भैया, बढ़िया। मतलब आप ये ध्यान दिला रहे हैं कि जैसे ठोस वस्तु को ठोस वस्तु पे ही रखना है तो ये मुझे दिखता है ना, इसकी आश्वस्ति है। बढ़िया भैया, बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। जैसे ये चार चीजों में, जैसे व्यवस्था में और ये जो चार चीजें आपने कहा, इसमें जब इतनी क्लैरिटी बन जाती है और बोध की भी आपको अनुभव हो जाती है और सेक्रेटरी में भी रहते हैं हम, खुद की भी अनुभव कर लेते हैं, तो भैया फिर ऐसे लगता है कि जैसे हर समय, जैसे एक अपने उदाहरण से दिया था कि कोई मुझे देख रहा है हर क्षण, जैसे हमें लगता है कि वो सजगता बनी रहती है और एक अंदर ऐसे लगता है कि अलाइनमेंट हमारी इतनी बनी रहती है कि हमें कोई भी चीज में जैसे वो कंफ्यूजन नहीं दिखता है, कि जैसे कोई भी चीज अगर मैं डिसीजन में लेने जा रहा हूँ तो मुझे उसका स्पष्टता है कि हाँ मुझे क्यों करना है, क्यों नहीं करना, इतना थॉट्स भी नहीं चलता और उसमें इजीली उसमें एक डिसीजन हो जाती है और उसमें जिसमें कि मैं बहुत सुखी और आनंद का उसमें अनुभव रहता है। ये ठीक है भैया, तो मुझे जैसे ऐसा लगता है कि वो हर क्षण जैसे उसमें हमारा सजगता बहुत बनी रहती है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, उसमें एक आनंद खुशी ये चीज की हमें वो सुकून महसूस होती है, किसी को क्यों दिया या क्यों देना ये भी नहीं हमें आता है, क्यों दे दिया ये भी नहीं आता है। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा है, मैंने अभी पीछे किसी का सेवा लिया था एक महीना का, अब जा रही थी, अब मैं परसों कहीं गई उसके पास तो वो मेरे को, मुझे बड़ा इससे अच्छा लगा, मुझे जाके वो मेरे को, मैंने कहा नहीं आज मैं ही इसका करूंगी, मालिश भी, नलाना भी, तो एक वो एक खुशी, मतलब उसमें एक जैसे एक बहुत ही आनंद भाव आ रही थी कि नहीं बस आज का ही टाइम है इसके पास और मेरे पास इसके साथ टाइम स्पेंड करना है और बस, मतलब यही था बस।
जी, बट ये जो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो आप कह रही हैं ये कल्पनाशीलता की कोई स्थिति है, इसको आनंद कहना संतोष कहना ये ठीक नहीं बैठेगा। देखिए संबंध है ही, और संबंध क्या है, जैसा है वैसा दिखना, ये चिंतन की बोध की वस्तु की वस्तु है ना की बात है। इकाई है ही, इकाई किस प्रकार जुड़ी हुई है ये दिखना एक अलग चीज है, और हम किसी क्षण में भाव के साथ किसी का एक साथ निर्वाह कर रहे हैं, और उस समय हमारे अंदर कुछ विचार चल रहा है जो एक वातावरण की अनुकूलता है उसके साथ जुड़ के चल रहा है, ये एक अलग बात है। अगर वही बच्चे को जो आप कह रही है जो मैं सेवा करने गई और फिर वही बच्चा व्यवहार ठीक ना करे, या उस बच्चे के साथ जो हम निर्वाह कर रहे हैं उसका कोई मूल्यांकन ठीक ना करे, तो फिर हमारा भाव बदल जाता है। तभी क्या हुआ, अभी हम किसी विशेष परिस्थिति में विशेष अवसर पर विशेष व्यक्ति के साथ कोई अनुकूल भाव में होते हैं, वो एक बात है, मगर जब मुझे संबंध दिखता है तो हर मानव के साथ दिखता है, व्यवस्था दिखती है तो हर इकाई की दिखती है, उस अवस्था की जो भी व्यवस्था दिखती है वो हर इकाई की दिखती है, तो वो थोड़ा आगे की चीज है। अभी हम मतलब एक तरीके से कभी कभी भावुक हो जाते हैं, भाव हमारे अंदर है ना इस प्रकार से होता है जिसको हमको तृप्ति मिलती है जो हमें पहले हो सकता है ना मिल रही हो, अभी इस क्षण में मिल रही है, तो ये सब कुछ एक तरह से उतार चढ़ाव है कल्पनाशीलता का ही, दिखना उससे आगे की बात है, उसको ना तो आनंद कहेंगे अभी जो आप उदाहरण दे रही है ना, तो संतोष कहेंगे, ये तो व्यवस्था का दिखना आनंद है, संबंध का दिखना संतोष है, ये उससे आगे की बात है। सर क्वेश्चन ये है कि संतोष तो आपने संबंध में बताया, और जो संयम है वो आपने श्रम में बताया, सर ये क्या सही है? श्रम जिसको मैं अभी कह रहा था वो तो हाँ। विचारों में जो श्रम होता है उसको कह रहा था, बट शरीर से भी श्रम करते हैं, जो हम श्रम करते हैं जी, जो हम शरीर से श्रम करते हैं वो संयम के भाव के साथ करते ही हैं, सहज भाव है वो, तो श्रम करना एक सहज आवश्यकता है, उसको हम सहजता से पूरा भी करते हैं, और विचारों में भी जो हम श्रम करते हैं वो भी संयम का भाव हमें देता है। नहीं 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 ये अलग बात है, अभी जिसको हम ये अलग श्रम जी, ये जो विचारों में चल रहा है ना ये तो हमारी एक अवांछित स्थिति है, असहज स्थिति है, उसको श्रम कह रहे हैं, फिर उस श्रम का हमें विश्राम मिलता है जब हम विचारों में शांति होती है, विचारों में उथल पुथल अंतर्द्वंद इन सब से निकल पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो श्रम यहाँ पे जिसको कहा उसको श्रम अगर लग के कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ और कह ले, संघर्ष कह ले, स्वयं में संघर्ष करते रहते हैं तो सही लग रहा है। पर सर एक बारी और, सर ये ना थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है ना, ये जब तक हम लिखेंगे नहीं ना जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे सर, फॉर्मली हम लोग सुनते हैं ना वो भूल जाता है जी, इसलिए आपको कहते हैं कि रोज असाइनमेंट को जर्नल में लिखना है, इनफैक्ट वो पीपीटी भी हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, उसको एक बार पढ़ें, उसको पीडीएफ हमने शेयर किया ग्रुप पे, उसको आप जी, पढ़ें जी, सर मैं पढ़ रही हूं, उसके शब्द जाएं, हाँ उसके शब्द के अर्थ में जाएं, दो शब्दों के अर्थ में जो अंतर है उसको भी पहचानें, तभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी जिसको श्रम कह रहे विचारों में श्रम है वो, तो विचारों में श्रम मतलब अपने आप में उलझन परेशानी में होना, बहुत मेहनत करके अपने विचारों में शांति को सामयिक रूप से क्षणिक रूप से स्थापित कर पाना, इसको श्रम कह रहे हैं अभी जो कह रहे हैं, बट जो शरीर से श्रम करते हैं तो सहज स्थिति है। संयम का मतलब शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, मैं अपने शरीर का आहार ठीक से रखता हूँ, विहार ठीक से करता हूँ, श्रम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे, इसको संयम का। वैसे एक्चुअल में आम भाषा में तो संयम हम कुछ और मानते हैं ना कि जी, अभी इस पे ना जाए, अभी तो संयम मतलब अपने विचारों को नियंत्रित करना है ना, मन को नियंत्रित करना, इस तरह के भाषा को संयम कहते हैं, तो उसको नहीं कह रहे, ये तो जिम्मेदारी के भाव को संयम कह रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी के भाव को हम संयम, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव। ओके सर ठीक है, और सर ये एक और क्वेश्चन है सर, मैं क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाती, ये मैं मेरे को ये समझ नहीं आता कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाते। नहीं आपने अभी प्रश्न किया ही, बट थोड़ा सा ये होता है वो तो किया जी, अभी थोड़ा सा ये होता है कि जो बात कही जा रही है उसको हम ध्यान से सुने, आवश्यकता हो तो उसको लिखें भी, उसका पहले विश्लेषण करें और अपने आप में ऑब्जर्व करें, तो
फिर जब सर लिखे और ऑब्जर्व के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी जी, तो आप उसको करें, विधिवत करें। ये देखिए, ये एक तरह से एक विधिवत एक कोर्स चल रहा है स्वयं के ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, है ना। तो हमको उसी गंभीरता के साथ इसको पूरा करना है। तो इसको जितना विधिवत हम करेंगे उतना हमारी गति बनेगी, प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, हम समाधानित होंगे। जी हाँ भैया, तो मेरा कल का भी एक क्वेश्चन रह रहा था और आज का भी मुझे पूछना था। पहले मैं अभी इससे रिलेटेड पूछ लेती हूँ कि जब हम संबंधों की बात कर रहे थे अभी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे भी होता है कि कभी ना हमको ऐसे लगता है कि अभी हमारा भाव तो स्थिर है, कभी किसी व्यक्ति का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो भाव स्थिर है उसमें, लेकिन हमारा जो रिएक्शन होता है वो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करने वाला या अगला इंसान थोड़ा सा डर जाए वैसा होता है। पर उस टाइम पे मतलब जैसे मुझे पता होता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मेरा भाव स्थिर है, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम संबंध पूर्वक दूसरे को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा भाव सहज है तो, अदरवाइज हमको स्वयं को व्यवस्थित करना है, दूसरे को व्यवस्थित करना है, तो हम उसके साथ है ना, कभी अगर आवश्यकता बने तो ऊंची आवाज का भी प्रयोग करते हैं। कोई गलती कर रहा है, नहीं मान रहा, उसका हाथ भी पकड़ते हैं, है ना, उसको रोकते भी हैं, तो ये हम करते हैं। बट हमारा भाव सहज रहता है, संबंध का भाव बना रहता है। ये तो ठीक है, ये दूसरे को भी दिखता है, ये दूसरे को भी दिखता है। अगर आप बच्चे को भी हाथ पकड़ के गलती करने से रोक रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे को दिखता है कि इन्हें इनके अंदर आवेश नहीं है, ये मेरी गलती को रोक रहे हैं। और मेरा व्यवहार सिर्फ वही नहीं है जहाँ मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, हाथ पकड़ने के पहले जो मेरा भाव था, व्यवहार था, वही बच्चे को दिख रहा था। हाथ पकड़ के रोक देने के बाद भी जो व्यवहार है वही बच्चे को दिख रहा है, तो बच्चे उससे रिलेट कर पाता है। आपके प्रति एक आश्वस्ति बनती है, आपके प्रति एक श्रेष्ठता की स्वीकृति बनती है उसके अंदर, है ना। बाद में उसके प्रति कृतज्ञता को भी वो देख पाता है और उसको रख भी पाता है कि हाँ, आपने मुझे गलती करने से रोका। बट यदि हमारा भाव बिगड़ गया, हम रिएक्शन में आ गए, विरोध में आ गए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो फिर बच्चे के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं बनता, श्रेष्ठता की स्वीकृति नहीं बनती, संबंध में आश्वस्ति नहीं बनती। भले ही वो गलत कर रहा था उसको पता है, बट उसको ये भी दिखता है कि वो गलत कर रहा था तो आप भी तो गलत कर रहे थे। और जो बच्चे के साथ है वही हर एक व्यक्ति के साथ है। कोई जब गलत भी कर रहा होता है आप उसको गलती से रोक रहे होते हैं, है ना, और आपका भाव ठीक होता है, ये अगले व्यक्ति को समझ में आता है और उसके लिए कृतज्ञ भी होता है। ऐसे कई प्रकरण आपको लाइफ में मिल सकते हैं जिसमें आपने किसी को गलती करने से रोका और आपका भाव संबंध का था, तो बाद में व्यक्ति आपसे आके कह पाता है कि आपने मुझे रोका, बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर जाता। कि नहीं, तो हमारा भाव ठीक रहे तो अगले तक पहुंचता ही है। भैया वो मतलब ऐसे एक्सप्रेशन से नहीं पता लगा सकते ना, कभी कभी एक्सप्रेशन से ऐसे लगता है कि इंसान का भाव बिगड़ा हुआ है पर उसका तो भाव अंदर से स्थिर है। देखिए वो मुद्दा भी नहीं है, नहीं अभी पता लगेगा, बाद में पता लग जाएगा। ये एक्सप्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं, समाधान है कि नहीं, आपका भाव संबंध का व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि तो उसी से आपका सुख है, वही जब दूसरे तक पहुंचता है और दूसरे में इंश्योर होता है तो उसका भी सुख है। तो एक्सप्रेशन तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट एक्सप्रेशन का बहुत महत्व नहीं है, है ना। उतना ही है कि अगले तक जल्दी पहुंच जाए कोई भाव, और होता भी है, ये तो एक स्किल है, उसको हम जल्दी ही लर्न भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, अभी जो कंटेंट चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ सकती हूँ? बताइए। वो जब सेवन स्टेप्स में जब विचार करते हैं तो कभी 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 ऐसे होता है कि कोई उसी में ही ऑब्जर्वेशन में आया था भैया, जैसे कि कभी मैंने जीवन विद्या में मतलब ये कंटेंट पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि मैं कोई छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाती और वो सॉल्व हो जाती है बहुत जल्दी। पर एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था कि मैं कुछ तो मैंने फोन में देखा या टीवी में देखा और उसमें जैसे जैसे लड़ाई हो रही थी ना, मैंने वैसे ही मतलब किसी ने मेरे को कुछ बोला और मैंने उस बात को बहुत खींच दिया और मैं उस पर झगड़ती गई और उसको बात का बतंगड़ बना दिया, चिल्ला दी, गुस्सा भी कर दिया। मेरे को बाद में जाके वो ऑब्जर्वेशन में आया कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने टीवी में कहीं देखा था कि कोई हीरोइन ऐसे लड़ रही है तो वो मेरे को थोड़ी सही लगी, तो मैंने उसी से प्रेरित होके वो मेरे अंदर रह गया और उसी से प्रेरित होके वो झगड़ा हुआ। तो मतलब इसको कैसे ठीक करें?
वही सजगता पूर्वक, अभी हम बाहर की घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं, तो आप पाएंगे हमारा कई बार जो भाव विचार है तो बाहर से हमने कुछ ऑब्जर्व किया, उसका मूल्यांकन अगर पूरा नहीं हुआ तो हम उसे प्रभावित हो ही जाते हैं, तो उस प्रभाव में हम व्यवहार करते हैं, इसी प्रभाव में हम सुविधाओं का चयन करते हैं, इसी प्रभाव में हम शरीर का रख रखाव करते हैं, इसी प्रभाव में हम पूरे जीवन की दृष्टि बना लेते हैं, जीने की दृष्टि बना लेते हैं अपनी, तो तब ये है ही, उससे निकलने के लिए तो सारा काम कर रहे हैं कि ये जो बाहर का प्रभाव है इसमें जो सुख पाने की आशा लगी हुई है इससे निकलकर सुख स्वभाव के रूप में स्थापित हो जाए, उसका स्रोत हमारे स्वयं में हो, जिसको भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो बाहर से कुछ अनुकूल पाकर सुखी होने का जो अभ्यास है या बाहर से प्रभावित होकर अपना कार्यक्रम तय करने का अभ्यास है, उसके स्थान पर स्रोत स्वयं में हो, अपने जांच परख के आधार पर, ज्ञान समाधान के आधार पर। तो अभी जो अदिति जी भी कह रही थी, तो अभी देखें तो अभी हमारे लिए दो स्रोत बने रहते हैं, मतलब सुख के, एक तो बाहर से मिलने वाली संवेदना और कोई बाहर से मिलने वाला अनुकूल भाव, बट जो निश्चित स्रोत है जिसमें सुख की निरंतरता है वो तभी है जब हमारे अंदर सही समझ हो, सही भाव हो और हमारे में स्थापित हो, जो ज्ञान है हमारे अंदर स्थापित हो। तो जो हम लोग सेल्फ के डायग्राम को ओपन करके पूरा डिस्कशन कर रहे थे, तो चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जो हमारे अंदर जागृत होती है तो हमें पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा स्पष्ट होता है, व्यवस्था जैसी है वैसी स्पष्ट होती है, संबंध जैसा वैसा स्पष्ट होता है, तो पूरी व्यवस्था हार्मनी की क्लैरिटी होती है, वैसे हम जीते हैं। तो स्वयं में हम, हमारी जब ऐसी स्थिति बनती है तो सुख का स्रोत स्वयं में होता है ना, अपने भीतर होता है, उसमें उसकी निरंतरता होती है, निश्चितता होती है, किसी बाहर की वस्तु पे निर्भरता नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, हमारी स्वतंत्र होते हैं, उसका तृप्ति बिंदु दिखाई देता है, मतलब उसमें कंटिन्यूटी होती है, वहां पे हमको दिखता है कि हाँ इसको पूरा करने के बाद ये हमें दिखता ही रहेगा, ये बात पूरी हो गई, इसका कंप्लीशन हो गया, हमने संबंध को देख लिया, अब दोबारा इस पर कोई उलझन नहीं होगी, व्यवस्था को देख लिया इसमें कोई शंका नहीं होगी, सहअस्तित्व को देख लिया उसमें कोई संघर्ष का भाव नहीं आएगा, तो एक निश्चित तृप्ति बिंदु है कि पूरा हो गया, और जब पूरा हो गया तो कंटिन्यू करेगा, निरंतरता है उसमें, और तब हम जाके स्वतंत्र हुए, उससे पहले हम कहीं ना कहीं बाहर भाग रहे थे सुख के लिए। तो ज्ञान यानी सही समझ स्वयं में, और उसके साथ सही भाव, तो चिंतन में सही भाव स्थापित हुए, उसी का प्रमाण हमें इच्छा में मिलता है, चित्रण मिलता है, विचार में मिलता है, तो उसके आधार पर सही भाव सही विचार ये हमारे लिए स्रोत बनता है उस सुख का। तो विश्वास का भाव का चिंतन हुआ, उससे अब विश्वास का ही चित्रण हो रहा है कि विश्वास के साथ इस व्यक्ति के साथ कैसे जिया जाए, सम्मान का चित्रण हो रहा है कैसे सही मूल्यांकन किया जाए, स्नेह का चित्रण हो रहा है कि कैसे हम उस व्यक्ति को संबंध में अनकंडीशनली एक्सेप्ट करके उसके लिए काम करें, उसके विकास के लिए काम करें। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे भी तृप्ति बिंदु है, अब हमको अपना निश्चित कार्यक्रम दिखाई देता है, उसकी निरंतरता होती है, हम लौट कर पुरानी स्थिति में नहीं जाते, हम स्वतंत्र होते हैं, बाहर जो कुछ भी चल रहा हो, दूसरा व्यक्ति का चाहे जैसा भी व्यवहार हो, हमारा भाव निश्चित रहता है और हमें समझ में आता है। अभी हम जहाँ दूसरे की गलतियों को देख कर पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आप पाएंगे जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्टता बढ़ रही है उसी गलतियों का जब आप विचार भी करते हैं तो कई बार आपको हंसी आती है कि देखो आदमी कैसे फंस जाता है ना, कैसे एक संवेदना से सुख पाने के लिए आदमी इतना तिकड़म कर रहा है। अभी जहां पर अगर आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें तो अगर आपके सामने किसी बिलियनेयर ट्रिलियनेयर की सूचना आती होगी तो मन में या आपके अंदर ये इच्छा होती होगी कि काश हम भी बिलियनेयर होते, काश हमारे पास भी है ना इतनी बड़ी जमीन होती, हमारे पास भी इतना ऊंचा बंगला होता, हमारे पास भी इतनी सारी गाड़ियां होती, इतने सारे बॉडीगार्ड्स होते। अब अगर आपको ये बात स्पष्ट होती है तो आपको दिखता है कि है ना अनावश्यक ही हम इतना सारा विचार कर रहे थे, उस पर हंसी भी आती है, तो हम उससे निकल पाते हैं, ये जो पुरानी स्थिति है उससे हम निकल पाते हैं, हमारे को सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई देता है। अब दिखता है कि पहले हम कहाँ भगदड़ कर रहे थे, संवेदनाओं से सुख पाने के लिए कितना है ना भगदड़ कर रहे थे, कितना पैसा लगाते थे, समय लगाते थे और फिर भी सुखी नहीं रह पाते थे, दूसरे से कोई अच्छा भाव मिल जाए कितना मेहनत करते थे, रंग रोहन करते थे, सुविधाएं जुटाते थे, ठीक बातचीत करने के तरीके सीखते थे, पता नहीं कितने तरीके से हम दूसरे से कुछ अनुकूल भाव पाने के लगे हुए थे और मिलता नहीं था, दो से मिला तीसरे से नहीं मिला, दो से जो मिला उसको तो भूल गए, तीसरे से जो नहीं मिला उसको याद रखा, उसको दुख भोग रहे हैं, फिर
आने वाले समय में कहाँ फंसे थे। तो अब जब हमारे अंदर ज्ञान समाधान की ओर गति बनती है ना, तो हम उससे निकल पाते हैं। जो चीजें पहले हमको प्रभावित करती थी, जो हमें लंबे समय तक घेरे रहती थी, उलझे रहते थे हम उसमें, उससे निकल पाते, उसमें हंसी आती है कि देखो कहाँ फंसे हुए थे। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्या लगता है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो दिखाई देगा कि हम अपने ही स्थिति पे हंसते हैं या दूसरे जिस तरह से लोग भगदड़ कर रहे हैं कुछ बाहर से अनुकूल पाने के लिए, है ना। इसको विचार करके, इसको ध्यान देकर भी उनको लगता है कि क्या चल रहा है, ना, कैसे लोग फंसे हुए, कैसे लोग उलझे हुए, और उनके प्रति करुणा का भाव आता है। जहां हम उनके जैसा होने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, अब वो हमको नासमझी मूर्खता लगती है, और उससे उनको निकालने के लिए करुणा का भाव आता है। तो ये सुख के निश्चित स्रोत है, है ना, जिसमें निरंतरता है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी जो हम प्रयास करते रहे सुख पाने के लिए, तो बहुत सारी संभावनाओं को हमने ट्राई किया है, उसको थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करते हैं, उसका कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। तो दूसरों से कुछ अनुकूल भाव मिल जाए, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, उसके लिए भी हम जो बात हो रही थी ना, कैसे कैसे हम योजना कार्यक्रम बनाते रहे हैं, लोग बना रहे हैं समाज में। किसी ने एक बहुत ही महंगा गॉगल्स खरीद के मुझे दिखाया कि है ना ये देखो मैं कैसा दिखता हूँ। तो उन्होंने पूछा गॉगल का पर्पज क्या है, परिवार में कोई थे, मैंने पूछा गॉगल का पर्पज क्या है, तो कहने लगे तुम हमेशा बेकार की बातें करते हो, है ना। तो अभी देखिए तो हम इतना महंगा गॉगल लेकर आए, है ना, उसको लगाकर हमको लगे कोई हमको अप्रिशिएट करेगा और कोई अप्रिशिएट ना करे तो कितना हम परेशान होते हैं। वैसे कोई महंगा है ना कपड़ा ले आए, महंगी गाड़ी ले आए कि नहीं, ताकि दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए। तो इसमें देखेंगे आप टेम्पररीनेस है, ये जो हम दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने जाते हैं ना, इसमें टेम्पररीनेस है, दूसरे पर निर्भरता है, इसका कोई तृप्ति बिंदु भी नहीं है, ये कभी पूरा नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई दूसरे से अनुकूल भाव पा लिया, ठीक, अब वो बना रहेगा और हमको दिखता है कि हाँ ये काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जिस गाड़ी को दिखाकर हमने सोचा कि सम्मान मिलेगा, तो आज मिल गया, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनसे मिल गया उनसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी गाड़ी को देखकर कोई वाह वाह कह सकता है, कोई इग्नोर कर सकता है, कोई हमारे बारे में कुछ अन्यथा बात भी कह सकता है कि जरूर दो नंबर का पैसा कमाता होगा तभी इतनी महंगी गाड़ी खरीद लाया। तो क्या मिलेगा निश्चित नहीं है, जो मिलेगा वो टेम्पररी है ना, उस पर निर्भरता है दूसरे पे, उसमें निरंतरता तो नहीं है। वैसे संवेदना को भी देखें तो भी ऐसा ही है। अभी आप देखिए तो संवेदना से सुख पाने के लिए कितने सारे उपक्रम चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी ये भी दिख रहा है कि जितना हम लोगों ने अभी तक रिसर्च किया, नई नई सुविधाओं का निर्माण किया, तो जो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में है, वो सुविधाएं लगभग लगभग समाज के एक बड़े हिस्से के पास हो गई हैं। आज से अगर 50 साल पहले की स्थिति को देखें और आज की स्थिति को देखें तो एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देता है। किचन में आप देखिए तो जितने तरह के अभी तरीके हम प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, जैसे पहले ध्यान होगा तो है ना गोबर के कंडे पे या कोयले पे या लकड़ी पे खाना बनता था, धुआं उठता था, आंख में लगता था, पूरे घर में धुआं फैलता था। अगर आज से 50 साल हम लोग अगर अपने दादा दादी के घर को याद करें, है ना, या और पहले थोड़ा चले जाएं, तो अब इस तरह की स्थिति, अब किचन आज के दिन देखिए तो कैसा है, घर कैसे होते थे पहले, छप्पर के, खपड़ैल के, है ना, टीन के, बांस के, अभी आज देखिए कैसा है। पहले आदमी के पास साइकिल भी कई बार नहीं होती थी, पैदल चलते थे, अब आज देखिए तो लगभग हर घर में गाड़ी हो गई है, कार है। कपड़ों की अगर बात करें, पहले जहां व्यक्ति कपड़ों को जिस तरह से प्रयोग करते थे, एक ही कपड़ों को बार बार प्रयोग करते, फटे कपड़ों को सिल के पहनते थे, आज देखिए तो स्थिति कैसी है। तो सुविधाओं के मामले में तो हम लोगों ने बहुत बढ़ोतरी कर ली है, और इसलिए अभी लोगों को चूंकि उसमें तृप्ति बिंदु नहीं है, उसमें मिलने वाली संवेदना का, तो आप पाएंगे कि एक भगदड़ सी है समाज में, उन समाजों में ज्यादा है जहाँ पे ये सुविधाएं अब बहुत ज्यादा हो गई, बहुत आयात हो गई। तो आप देखिए कि जो अभी आज के न्यूज आते हैं यंग लड़के लड़कियों के बारे में, तो किस तरह के अपराध हो रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं, है ना, ये जो सामयिक टेम्पररी हैप्पीनेस है वो किसी प्रकार मिल जाए, है ना, सुविधा से मिल जाए, शरीर से मिल जाए, या कोई नशीली पदार्थ लेकर मिल जाए, उसके लिए कैसे कैसे उपक्रम बनाए जा रहे हैं।
क्योंकि इसमें टेम्पररीनेस है, वो मिलेगा ही नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जब भी ऐसा कुछ हम लेने जाते हैं, सुविधा से मिलने वाली संवेदना से सुख लेने जाते हैं, तो उसको दिखाई देता है कि एक समय के बाद वो अरुचिकर असहनीय हो जाता है। तो पहले आवश्यक व रुचिकर लग रहा था, फिर उसके बाद अनावश्यक हो गया, भले ही रुचि मिल रही है, उसके बाद अरुचिकर हो गया, फिर उसके बाद असहनीय हो गया। अब अगर व्यक्ति इस बात को न समझ पाए, इसके जड़ में जाकर विश्लेषण न कर पाए कि कभी भी होगा तो असहनीय हो जाएगा, इसमें निरंतरता हो ही नहीं सकती, इसमें निश्चितता हो ही नहीं सकती, इसमें स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, अगर इस बात को हम बैठे बैठे अपने आप में ठीक से देख पाए तो इसे निकल पाएंगे। नहीं तो हम बार बार, है ना, वैसे ये पहाड़ चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, फिर पहाड़ चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, हमको पता ही है कि फिर पहाड़ पर चढ़े फिर उतर के वहीं पहुंच गए, बट फिर उपक्रम बनाते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, शोषण करते हैं समाज का, और फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये बात अगर हमको बैठे बैठे दिख जाए तो सोचिए हम कितने बड़े, है ना, उलझन, तनाव, परेशानी या जो लाइफ में हमने समस्याएं बनाई होती उससे निकल पाए होते। अभी आप सोचिए, अभी ये जो समाज में दिखने लगा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेस्टर्न सोसाइटी में तो काफी हो गया है, तो ये जो संवेदना पाकर सुखी होने के लिए हम कई बार अपराध कर जाते हैं। अब वो संवेदना से जो सुख मिला वो क्षणिक मिला, अपराध का जो भय है वो आपकी पूरी उम्र भर बना रहा है। अगर वो सूचना चली गई समाज में, ठीक, उसका जो अपमान मिलेगा, है ना, वो तो पूरे समय मिल रहा है, फिर एक समय के बाद समाज मान लेता कि ठीक है भाई, इसमें क्या अपमानित किया जाए, सभी ऐसे ही, बट उसका दुख तो पूरे समय बना रहता है। अगर हम इसको बैठे बैठे थोड़ा सा भी आर्टिकुलेट करें तो ये जो अपराध होते हैं क्षणिक सुख के लिए, उससे हम निकल पाएंगे, स्टूडेंट्स को निकाल पाएंगे कि जो भी उपलब्धि हो रही है तुम्हारी वो क्षणिक है, ठीक, बट उसके कारण जो तुम्हारे अंदर भय पैदा हो रहा है, तुम डर के जी रहे हो समाज से, परिवार से, है ना, उसको देखो कितना बड़ा दुख है उसका। ये बात अगर हम बच्चों को दिखा पाए एजुकेशन के थ्रू तो बच्चे से निकल पाएंगे। भैया आपने कल असाइनमेंट दी थी सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस, तो मैंने उसको लिख के रखा है, जरा थोड़ा उस पर बताता हूँ कि उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे मुझे पहले लग रहा है, सीरियली जाता हूँ मैं, नंबर वन इज आहार, दूसरा जो है विहार, तीसरा है विचार, चौथा है आचार, और पांचवा इन सबसे बनता है व्यवहार। तो भैया इसमें मैंने जो क्रम दिया है क्या ये सही है? मैं भोजन से शुरुआत करता हूँ, मतलब मेरा जो फेवरेट है, थोड़ा इस पर हम डिस्कस करेंगे प्लीज। इसको सुख के स्रोत कह रहे हैं? यस सर, जी भाई। अच्छा, तो अगर इसको सुख का स्रोत बनाया तो वहीं से फंस गया, आहार में ही फंस गया, क्योंकि आहार जो है वो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक, उसको अगर हम सुख का स्रोत मानते हैं, जैसे ही मानते हैं, ठीक है ना, उस समय से परेशानी शुरू हो जाती है, उसमें क्रम अप्लाई होगा, आहार जो भी ले रहे हैं एक समय बाद असहनीय हो जाएगा। तो आहार लेना तो ठीक है, आहार से सुख लेने की जो आशा बनती है वहां चूक है। जैसे बिहार ठीक है, बट बिहार से अगर हम सुख लेने जा रहे हैं तो वहां चूक है। मैं शरीर के प्रति जिम्मेदार हूँ, इसका सुख मिलता है तो ठीक बात है, बट यदि हम शरीर के साथ जो क्रियाएं हो रही हैं उससे अगर सुख लेने गए तो कभी वो बाधित हो गई, है ना, हम बाहर निकलने सोचे कि वॉक करेंगे सुबह निकलकर 5 किलोमीटर, बारिश हो गई तो विहार बाधित हो गया, हम दुखी हो गए। वैसे इसको आचार कह रहे हैं वो देखना होगा कि आचार आप किसको कह रहे हैं, चार तो स्वयं में है, आचार अगर हम देखें तो जो आचरण है तो उसमें अगर भाव वाला पक्ष देखें तो स्वयं में है, चार तो स्वयं में ही है, ये बात थोड़ी सी अलग है आहार विहार से। व्यवहार में भी देखें तो मेरा व्यवहार, उसमें भी अगर मूल में भाव को देखें तो स्वयं में स्थापित है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि दूसरे के व्यवहार से हम सुखी होने गए तो फिर परतंत्र है। तो अभी इस तरह के नए फॉर्मुलेशन न लाए, इसको जैसा वैसा ऑब्जर्व करें। थोड़ा सा क्या होता है, ये बात कई बार देखने में आ रही है या लोगों के प्रश्नों से जो कई बार व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है तो भी आती है, कि इसके हम पैरेलल अल्टरनेट कुछ प्रपोजल्स भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो सोचे वहां तक तो ठीक है, बट हमारा ऑब्जर्वेशन रुक जाता है ना, तो ऑब्जर्वेशन की बात है, क्योंकि हमें तो प्योर ऑब्जर्वर की स्थिति में पहुंचना है ना, वो हम जितने कम से कम विचार के साथ जितना अवेयरनेस बढ़ाएंगे अपने भाव के प्रति, अपने जीने के प्रति, उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज विचार में हम बहुत सारा फॉर्मुलेशन और अगर बना लें तो हमारा ऑब्जर्वेशन तो रुक जाएगा ना। हाँ भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब हम अच्छा विचार करते हैं, मतलब हैप्पीनेस का सोर्स का मैंने थोड़ा कल बहुत पढ़ाई की थोड़ी सी, तो जब हम अच्छा विचार करेंगे तो हमको बहुत मतलब अच्छा ही लगेगा ना, हैप्पी लगेगा ना भैया। हाँ, बट अच्छा विचार करेंगे ये कैसे होगा,
ये तो तभी होगा ना जब अच्छे की समझ होगी। तो यही पता नहीं कि अच्छा है क्या, फिर अच्छा विचार करने जा रहे हैं, फिर जाके फंस जाते हैं किसी पॉइंट पे। तो थोड़ा सा एक मिनट लेना चाहूंगा, जो हमने शुरुआत की है, समझो एक आदमी है, सभी मतलब एक जनरल ह्यूमन बीइंग अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, और उसे भूख लगी, तो क्या वो हैप्पी रह पाएगा? मतलब मैं मानता हूँ कि इट इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन इट कैन गिव कुछ देर के लिए, या कुछ मतलब जैसा बोल रहे सामयिक शब्द दे सकते हैं उसे। जी अभी इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो भूख लगी है, हम श्रम पूर्वक अपने लिए भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? तो जो दुख मिलता है वो भूख से नहीं मिलता है, इस बात से कि मैं अपनी भूख स्वयं क्यों नहीं मिटा पाता, मैं अपने शरीर की आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर सकता। जो दरिद्रता का भाव बनता है मेरे अंदर वो दुख करता है। संवेदना तो आ रही है, और संवेदना से जो प्रश्न जग रहे हैं हमारे अंदर है ना, हमारे पास जो समाधान का भाव होता है, या दूसरे को अगर हमें भोजन उपलब्ध कराना है, दूसरा क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा, जो संबंध का दुख होता है, फिर वहां से हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो जो संवेदना आती है शरीर से, उससे फिर हमारे अंदर कई सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, वो हमको दुखी करते हैं। कोई व्यक्ति है ना, क्यों भूख से व्याकुल होगा भाई? हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकता है, करें। हमको पता ही शरीर को भूख लगती है, तो पहले से कर ले। हाँ, क्यों भूख लगने के बाद ध्यान गया, पहले से कर ले। यानी हमने वो जो सारी व्यवस्था है, अगर हैप्पीनेस चाहिए तो वो हैप्पीनेस भी हमको ही अरेंज करके रखना है। भूख लगने वाली है मालूम है, दोपहर का डब्बा लेके जाना है ना। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि अरेंज भी करना क्यों कहें उसको, मैं एक सहज कार्यक्रम है मेरा, मैं हूँ, शरीर है, शरीर को पोषण की आवश्यकता है, उसके लिए मुझे सुविधा के उत्पादन की आवश्यकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? करें इसको। अगर उसको करने में कोई बाधा आ रही है तो उसको ठीक करेंगे, अगर मनुष्य का संबंध में कोई कठिनाई है तो संबंध पे काम करेंगे, है ना। प्रकृति की समझ नहीं तो प्रकृति को समझेंगे। देखिए शरीर की आवश्यकता पूरी करने को हमने जो इतना बड़ा चैलेंज बना लिया है, उतना बड़ा वो है नहीं। वो तो इसलिए क्योंकि हमने विचारों में सारा ये उलझा कर चीजों को इतना डिफिकल्ट और क्रिप्टिक जैसा बना दिया है, बहुत है ना अनसुलझा जैसा बना दिया है, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर किसी स्रोत सामने दिखाई दे, इतनी सारी सुविधाओं की जरूरत ही नहीं है। जी, बढ़िया भैया जी, नमस्ते नमस्ते, आज के लिए इतना, थैंक यू। तो ये जो दो स्रोत हैं, ये टेम्पररी हैप्पीनेस के स्रोत हैं, दूसरे से मिलने वाला कोई अनुकूल भाव या शरीर से मिलने वाली कोई अनुकूल संवेदना। ज्ञान समाधान के साथ हमको दिखता है कि सेंसेशन का क्या सदुपयोग हो सकता है, सुविधा का क्या सदुपयोग हो सकता है। जो हमारे में ज्ञान होता है तो हम हर स्तर पर व्यवस्था को समझते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, जिससे हमारे अंदर सुख बना रहता है, निरंतर बना रहता है। और जो मुझ में बना रहता है वो मैं दूसरे से शेयर करता हूँ। तो जब हमारे अंदर सही भाव होता है तो दूसरे का जो हमारे साथ व्यवहार होता है उससे हम दूसरे के समझ का भाव का सही सही आकलन कर पाता हूँ। तो दूसरे की स्थिति क्या है, उसके अंदर कितना ज्ञान समाधान सुनिश्चित हुआ है, कितना शेष है, उसको मैं देख पाता हूँ, उसका मैं पूरकता तय कर पाता हूँ। तो जहाँ मैं दूसरे के व्यवहार से सुख पाने में लगा हुआ था, अब मैं दूसरे के व्यवहार को देख कर, दूसरे की स्थिति का आकलन करके उसके साथ संबंध में मेरी क्या भागीदारी होगी ताकि उसमें पूर्णता हो जाए, ज्ञान और समाधान की पूर्णता हो जाए, उस पर ध्यान दे पाता हूँ। अभी हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है, दूसरे ने गलत व्यवहार किया, हमारे अंदर रिएक्शन शुरू, इरिटेशन शुरू। अब जब दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमारे उसके प्रति दया का भाव है ना, करुणा का भाव आता है कि अब मुझे इसको इसके विकास के लिए क्या करना है। अभी कॉलेज में देखिए तो आप जाके डायरेक्टर से, वाइस चांसलर से या मैनेजमेंट के लोगों से कहिए कि सब फैकल्टी को वर्कशॉप करा दीजिए, तो उनके पास 10 कारण होते हैं नहीं कराने के, ठीक। बट अपने को दिखता है कि अगर ये लोग समझने के लिए काम नहीं करेंगे तो गलती करेंगे ही। अभी देखिए कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में नासमझी से उलझने के लिए या उलझे हुए कितना सारा हम समय लगाते हैं। अभी ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्यमंत्री लोगों के पास दो ही तरह का काम हो सकता है, या तो आप लोगों को समझदार बना लीजिए या लोगों की नासमझी से संघर्ष करिए। तो लोग समझदार बनाने का कार्यक्रम नहीं बना पाते तो नासमझी से संघर्ष करते रहते हैं, और उनको लगता है कि नासमझी से संघर्ष करना अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए करना जरूरी है। बट उनको ये नहीं दिखता कि अगर समझदारी के लिए काम किया जाए प्रोएक्टिवली तो ऐसी स्थितियां बनेंगी ही नहीं। अब ये देख नहीं पाते हैं, अगर हमको दिखाई दे पहले ही प्रोएक्टिवली कि अगर फैकल्टी में, स्टूडेंट्स में, स्टाफ में सही समझ के लिए काम किया जाए तो जो दूसरों की नासमझी से जो हमको संघर्ष करना पड़ता है मैनेजमेंट को पूरे समय,
फैकल्टी क्लास ठीक से नहीं ले रही, समय पे नहीं आ रही है ना, या उलझन बनी हुई है सैलरी को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, बहुत सारी चीजों पे। वही ऊपर जाए तो और ऊपर के स्तर पे उसके नीचे के स्तर के साथ संघर्ष चल रहा है। अगर हम समझ और भाव के लिए काम करें, उसको आधार में ले आए, केंद्र में ले आए, तो सारा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर काम जो हम लोग कर रहे हैं है ना, वो व्यर्थ ही करना पड़ रहा है, क्योंकि समझ का अभाव है। अगर समझ के लिए काम किया जाए तो समय का बहुत सार्थक सदुपयोग हो सकता है, जो अभी नहीं कर रहे होते हैं। तो हमको पूरकता दिखाई देती है दूसरे के व्यवहार से है ना, हम दूसरे का आकलन करते हैं और उस पर अपनी भागीदारी को देख पाते हैं। वैसे ही जो शरीर से हमको संवेदना मिलती है सुविधाओं के द्वारा, उससे हम सुविधा का आकलन कर पाते हैं। गर्मी का मौसम है, अगर उसमें ऊनी कपड़े डाल लेते हैं तो पसीना आएगा और खुजली होगी, तो उससे पता लगता है कि ये कपड़ा शरीर के लिए उचित नहीं है अभी। और ठंड का मौसम है और हम खाली एक पतली सी कमीज पहन लें तो जो शरीर में सिहरन पैदा होती है उससे पता चलता है कि ये कमीज इस ठंड के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब हम कपड़े का आकलन कर पाते हैं, कपड़े का सही चयन कर पाते हैं। तो हम पहले जहाँ संवेदना सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, हम उसके स्थान पर सुविधा का सही सही चयन कर पा रहे ताकि शरीर का पोषण ठीक से होता रहे, संरक्षण होता रहे, सदुपयोग होता रहे। और उसको हम दूसरे के साथ व्यवहार में जब प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा भाव ठीक से पहुंच जाए दूसरे तक। जहाँ हम अभी सुविधा को सामने रखकर दूसरे सम्मान पाने में लगे हुए थे, अब हम सुविधा का प्रयोग करते हैं दूसरे तक सम्मान पहुंचाने में। कोई घर आए हैं है ना, तो हम उनको कुछ बना के खिला रहे हैं, उनको बैठने के लिए कोई जगह दे रहे हैं, आसन दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं। अब ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दूसरे तक हमारा भाव पहुंचे। इनफैक्ट मजे की बात है, आप देखेंगे कि जिनके साथ आपका संबंध ठीक होता है वो अगर आपके घर आते हैं तो आपको, आप रेयरली बॉदर करते हैं कि घर की स्थिति कैसी है, सामान बिखरा हुआ है क्या, फैला हुआ है क्या, है ना। बट यदि किन्हीं के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो आप सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम को देखते हैं, घर को देखते हैं, पहले सजाते हैं चीजों को, ठीक उतने ही लिमिटेड स्पेस में रखते हैं जहाँ पर चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, और आपके अंदर व्याकुलता रहती कब चले जाए। यदि आपका कोई घनिष्ठ मित्र आ जाए जिसके प्रति स्नेह का भाव है तो आप उसको ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठाते, अपने कमरे में, पर्सनल रूम में ले जाते हैं, वहाँ चीजें बिखरी हुई है, फैली हुई है, फर्क नहीं पड़ता। तो आप पाएंगे जहाँ भी संबंध का भाव होता है सुविधा का महत्व घट जाता है, और सुविधा का हम सदुपयोग करते हैं संबंध के भाव तक, भाव को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ना कि दूसरे से सम्मान पाने के लिए। तो ये शिफ्टिंग अपने आप में दिखाई देने लगती है। वैसे ज्ञान को शेयर करने के लिए, सही भाव को शेयर करने के लिए हम सुविधा का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग होता है। जी नमस्ते भैया। भैया एक शेयरिंग थी कल की। कल भैया जब मैं सुबह को कुछ काम कर रहा था तो ततैया ने काट लिया। तो ये शेयरिंग बेसिकली दूसरे से भाव पाने के अर्थ में, जो सुख पाते हैं भाव से, उससे रिलेटेड है। तो मैंने पूरे दिन ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा पेन तो था ही उसमें। तो मैं जब लोगों के साथ बैठा होता था तो कहीं ना कहीं से मेरे में विचार चलता कि अपना दूसरा पैर वहां पे लेके आए जिससे दर्द महसूस हो और सुख मिले। तो ये विचारों में बार बार ये रहता कि लोगों को पता लगे कि दर्द है उसके बाद भी काम कर रहे। तो ऐसा तो पूरे दिन दिखा, लेकिन वो एक्सप्रेशन में नहीं आया क्योंकि दिख जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी बीच में एक तो बना हुआ है कि भाव पाके सुखी होने का तो है ही, तो लेकिन यहाँ सुख नहीं है ये दिखने पे, फिर वो एक्सप्रेशन में आता नहीं है, रुक जाता है। तो ये शेयरिंग थी छोटी सी। बढ़िया बात है भैया, आपने एक छोटी सी बात को भी ऑब्जर्व किया, उसको शेयर किया सभी के साथ। तो देखिए जब तक सुख का स्रोत स्वयं में न दिखाई दे, ज्ञान के साथ आशा तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की लगी ही रहती है, ठीक है ना। यही तो सारा कार्यक्रम है कि जो हम लोग कह रहे हैं शक्तियों का अंतर नियोजन हो जाए, स्वयं में स्रोत स्थापित हो जाए, तो यही तो करने का काम है भैया। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमें अगर कहीं ये, अगर कहीं मान लीजिए हम अपना करते हैं दूसरा नहीं समझता है, तो मैं, मुझे लग रहा है कि हम जब अपने जीने में उस चीज को लाएंगे तो सामने वाला समझने को हमारे लिए, हमारी बात को तैयार होगा। पर ये चीज हमने जब एक बार, मतलब कई बार इसको प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है तो इसका बड़ा निगेटिव ही रहता है। मतलब उन लोगों को जैसे आपने बताया कि अगर कहीं हमारा सही समझेंगे नहीं तो फिर जीने में और फिर उसी तरह का आचरण होगा और फिर
मतलब फिजिकल फैसिलिटीज के लिए वो काम चलता ही रहेगा, फिर वही चीज जरूरत लगेगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि सर ये अगर कि मान लीजिए हम तो चलो ठीक है पढ़ लिए है ठीक है वो चीज को है और जीने में लाते भी है और कहीं ना कहीं पे कुछ लोग कहते भी कि हाँ ठीक है काफी मतलब पता नहीं एकदम चेंजमेंट है या जो भी है मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे ही कुछ समय गुजरता है जा करके फिर एक पर्टिकुलर समय आता है तो सब कुछ एकदम ऐसे हो जाता है अच्छा हाँ ठीक वो एक समय था बस ठीक है वो पढ़ लिए थे बाकी फिर से सब लोग अपने अपने लग जाते हैं। ये बात है कि मतलब लोगों मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लोगों को समझाना है, समझा तो मैं अपने आप को रहा ही हूँ, लेकिन फिर भी ये बात सब तक कैसे पहुँच सकती है ये क्वेश्चन है भैया। जी देखिए अच्छी बात तो ये है कि सिस्टम में अब एक प्रोविजन बन गया है, उस प्रोविजन का सदुपयोग करें, है ना। जैसे कॉलेज में अगर आप कहीं हैं तो आप वहाँ बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक मॉडल करिकुलम लागू किया जाए, उसके लिए फैकल्टी को डेवलप किया जाए। तो कई बार वन टू वन कहने से लोगों की तत्परता नहीं बनती या तर्क वितर्क होता है, तो आप उसका जो सिस्टम में प्रोविजन बन गया उसका सदुपयोग करें। आप मैनेजमेंट से बात करिए कि सर ऐसा कोर्स लागू हुआ है, देखिए आईसी के लिए भी कर दिया, यूजीसी ने भी कर दिया है, नैक के लिए भी चाहिए, ठीक है ना, तो क्यों ना इस पर ध्यान दिया जाए। ऊपर से एक प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि लोगों की चाहना ठीक है बट आप व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कर रहे हैं तो लोग उसका मूल्यांकन सही से नहीं करते, क्योंकि लोगों का एक शासन पूर्वक जीने का अभ्यास है। ऊपर से अगर कोई मैसेज आता है तो लोग उसको स्वीकार लेते हैं, हाँ भाई ठीक है कहा जा रहा तो करना है। हाँ क्योंकि ये हमने देखा हुआ जो फर्स्ट ईयर में भी जो मतलब जो यूएचपी वन एक तरीके से चलता है उसको तो बिल्कुल एक रिकॉर्डिंग करके ही छोड़ देते हैं, बाकी डिप्लोमा वगैरह कॉलेजों में तो उसका कोई वही नहीं है कि अरे हाँ ठीक है प्रैक्टिकल होता है जाकर के। तो मतलब ये देखा जाए तो आपके स्तर पर देखा जाए तो मतलब एक बड़ी क्रांति टाइप की चल रही है कि हाँ मतलब आप मॉर्निंग में भी चल रहा है, मैं भी खूब कर रहा हूँ। और अगर के देखा जाए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के तो कुछ मतलब उसको बहुत ज्यादा वो एक मतलब थोड़ा सा और तो खैर कॉलेजों में कई कॉलेजों में मतलब है सेल बना हुआ है, ज्यादातर देखा हुआ उससे कोई वो मतलब नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं अगर जैसे आपके साथ एक घंटा तो हो जाते हैं जी, यही सब तो अवसर होते हैं जिसमें हमको अपनी योग्यता पे काम करना होता है कि अभी वातावरण की अनुकूलता बनी हुई है फिर तो हमारी सिंपली भागीदारी है उसको पूरा करें, नहीं अनुकूलता बनी हुई फिर हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम उस अनुकूलता को तैयार करें अपने कॉलेज में इसको स्थापित करें। और हर व्यक्ति में पोटेंशियल है ना जी, में भी है ना, और जो हमारे साथ काम करने वाले उनमें भी है, इसको समझ सकते हैं जी सकते हैं। तो ये इसे आप एक अवसर के रूप में लीजिए। इनफैक्ट आप पाएंगे कि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान समाधान स्थापित होने लगता है ना, हमको हर परिस्थिति एक अवसर के रूप में दिखता है। अगर समस्या है तो भी एक अवसर है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा हो सही व्यवहार कर रहा हो तो अवसर ये जैसे साथ मिलकर आप समाज की योजना बनाएंगे, अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आपके लिए अवसर ये है कि आप मूल्यांकन करेंगे अपने भाव पे काम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे अंदर ये धीरता बढ़ती है वैसे वैसे हमको हर परिस्थिति एक अवसर के रूप में दिखाई देता है, स्वयं के विकास ही दूसरे के विकास के लिए। तो जितनी ज्यादा प्रतिकूलता है उतना बड़ा अवसर है आपके ऊपर, आपके लिए अपने ऊपर काम करने का कि नहीं। नहीं वही चीज कह रहे भैया, ये एक घंटा जो चालू हुआ है उसमें तो ये लग रहा है वो कंटिन्यू सब बन गया है, कम से कम मतलब इतना तो रहता ही है और वो शाम तक जो ये बातें हैं वो तो चलती ही रहती है, हर समय पे जांच परख चलती ही रहती है। बिल्कुल देखिए वो तो है हर व्यक्ति को है ना, ये जिम्मेदारी अब स्वीकारने की जरूरत है कि हम कम से कम अपने जैसे 10 लोग तैयार करें, हम पहले तैयार हों और अपने जैसे 10 लोग और तैयार करें, ये जिम्मेदारी है ना, तभी तो समाज में बात स्थापित होगी। वो 10 लोग 100 लोग तैयार करेंगे, जो हम 100 पानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 10 लोगों का परिवार फिर से 100 लोगों का परिवार है ना, तो अल्टीमेटली काम हमसे शुरू होना है, तो हम अपने ऊपर काम करें कि हम 10 लोग को और तैयार कर सकें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कॉलेज में कम से कम 10 लोगों को तैयार करना, तो उसके लिए जो कुछ करता बने है ना, मैनेजमेंट से बात करना है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, बट आपको टीम 10 लोगों की बनानी है अपने कॉलेज में, इसको स्वीकार लेंगे तो साल दो साल में हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर आपको दिखेगा कि 10 लोगों को तैयार करना या 10 लोगों को चुन के अपनी टीम में जोड़ लेना कोई मेजर काम नहीं है, तो हो ही जाता है। ये 10 लोग जो हमारे जिले का मूल्यांकन शुरू करते हैं और हम जब कम पड़ते हैं उसमें, वो ज्यादा बड़ा काम है। मतलब वही चीज है कि बच्चों में तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बच्चे क्वेश्चन भी मतलब ठीक ठाक करते हैं और वो क्लासेज जब भी लगती है मतलब एक्स्ट्रा क्लास इंगेज करना तो फिर ठीक है,
लेकिन ये ऊपर लेवल पे जो है ना वहाँ पे सिर्फ अभी उनको फाइनेंशियल ही कहीं भी है कहीं भी, जैसे मई जून का मैं महीना देख रहा हूँ ये सिर्फ हर जगह का है सर, मैं बाहर का देख चुका हूँ कई बार, वो चीज बड़ा अजीब लगती है। तो सत्र को अब रोक लिया हम लोग, तो ये जो पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है अपने लाइफ में उसको ऑब्जर्व करना है ना, तो कुछ बातें यहाँ रखी गई बट उसको जीने से जोड़ कर देखना है, यही असाइनमेंट है आज के लिए। जी सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।